डॉक्टर अभिषेक भालोटिया ने बताया कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर गोंदिया ने दुनिया में सबसे उन्नत रोबोटिक सिस्टम के साथ रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हमने शुरू की है। हमने पिछले 2 महीनों में 25 सर्जरी सफलतापूर्वक पूर्ण की है। आज उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें मुंबई के डॉक्टर तेजस उपासनी और नागपुर के डॉक्टर मुकेश लड्डा द्वारा रोबोट की सहायता से 2 लाइव सर्जरी की गई। इसे होटल ग्रैंड सीता में लाइव स्ट्रीम किया गया था और इसमें IMA गोंदिया के लगभग 100 डॉक्टरों ने भाग लिया था। CME का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता अध्यक्ष IMA गोंदिया ने वरिष्ठ डॉक्टरों डॉक्टर सुधीर जोशी और डॉक्टर संजीव की उपस्थिति में किया। रोबोट असिस्टेंट के रिप्लेसमेंट पर व्याख्यान दिया गया। CME के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें तीनों सर्जन डॉक्टर अभिषेक भालोटिया डॉक्टर मुकेश लड्डा और डॉक्टर तेजस उपासनी ने इस नवीनतम तकनीक के लाभों की जानकारी दी। प्रमुख लाभ बेहतर सटीकता और सटीकता, बेहतर और तेज रिकवरी, कम दर्द और सर्जरी के बाद अधिक प्राकृतिक एहसास है। इस तकनीक का अंतर यह है कि हम इम्प्लांट को सटीक रूप से और मरीज की सामान्य शारीरिक रचना के अनुसार लगा सकते हैं, जिससे वे जटिल गतिविधियां जैसे सीढ़ियां चढ़ना आदि आराम से कर सकते हैं। यह तकनीक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में सर्जरी का भविष्य होगी और भारत में बहुत ही कम केंद्रों पर उपलब्ध है। यूनाइटेड SSH हमारे समाज को सर्वोत्तम परिणाम के लिए इसे प्रदान करने में प्रसन्न है। कि ये उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी जितना अपन ने फीड किया है। अगर 6 ml फीड किया है तो 6 ml फीड करके रुक जाएगी, 7 ml नहीं कर सकते। दूसरा जहाँ तो वी हैव डिसाइडेड कि अपने को यही प्लान करना है, वो कलर एरिया अपने को कट करना है। अभी कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट में ऐसा है कि आपने डिसाइड किया है कि आपको 9 mm कट कर, करता है जगह जगह से, जैसे गोंदिया का खर्चा अलग है, नागपुर मुंबई सब गोंदिया में तकरीबन 1 घंटे का ऑपरेशन करने में 2 लाख रुपए खर्चा है। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जो लिगामेंट और कुशन की सर्जरी के लिए करते हैं। जब आपको जॉइंट रिप्लेस करना है तो आपको ओपन करके ही करना है, आइदर आप स्टैंडर्ड मेथड से करें या आप रोबोट का प्रयोग करके ये सर्जरी करें। जब रोबोट ने पेशेंट की बोन्स क्या साइज की है, वहाँ पे क्या साइज का इम्प्लांट लग सकता है वो बताया, लेकिन उसको पहले। NBCN न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।